गुरुलोक फाइनली कुछ होप जागी और मार्वल ने निकाला है एक फैबुलस लोकी का सीजन 2 का ट्रेलर। 4 साल के बाद कंटिन्यूसली कंटेंट पे कंटेंट लिखने के बाद अब कुछ होप सी लगी कि चल अब कुछ निकल कर आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम टॉक क्लब और आज हम बात करने वाले हैं लोकी ऑफिशियल सीजन 2 के बारे में। मैं इसके आपको एक से एक राज बताऊंगा और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करें। तो गुरु लोग ऑफिशियली लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका और ट्रेलर की शुरुआत होती है जब वो एक जगह पे जाता है और वहां पे एक बोंग नाम का उसको एक इंसान मिलता है जहाँ पे भाई वो उसे टाइम ट्रेवल के इश्यू से रिलेटेड बात करने के लिए आते हैं। इतने में ही लोकी का एक ग्लिच आ जाता है और वो ग्लिच से किसी और टाइम ट्रेवल में चला जाता है और वहां पे उस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए वो बात करने आता है और वो सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। और आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि भाई वो उसके टाइम टू टाइम ग्लिचेस हो रहे हैं, बट एक ऐसा टाइम आता है जब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एक वहां आके अपनी कहानी का पहला विलन मिलता है। कौन? डोरमामू। दोस्तों डोरमामू जो कि वक्त का सबसे बड़ा खिलाड़ी और वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर, अकेला डोरमामू ही था जो इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकता और डोरमामू का भेजा हुआ ये विलन जेनेस की एक इंसान के अंदर बसा हुआ था, वो इंसान ये था, हम एज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखना। और उसके बाद आगे कहानी में चलते हैं तो दोस्तों आगे एक एंटमैन का विलन जो कि कोंग, भाई कोंग हमें वो पर्दे में से निकलता हुआ दिखता तो उससे क्या रिलेटेबल है? अब भाई कहते तो है कि मल्टीपल यूनिवर्स कनेक्शन इन वन मार्वल, मार्वल की कहानी में कितने मल्टीपल कनेक्शन होते हैं ये तो भाई इस स्टोरी में पता लग रहा है। कोंग भी इसी में है और भाई साहब टाइम ट्रेवलर भी इसी में है और भाई साहब बहुत कुछ है इसमें। अब भी दो दो विलन्स, एक हीरो और लोकी, क्या बच पाएगा और क्या बचा पाएगा, टाइम ट्रेवल से निकल पाएगा? आखिरी सीन तक वो इस इंसान को पकड़ के रखता है, बट एज यूजुअली आगे क्या होता है ये तो उस कहानी में पता लगेगा। लेकिन ट्रेलर देख के बिल्कुल मजा आ गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई मेरे को अभी तक सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे हैं, नेगेटिव पॉइंट हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो भाई पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका कहानी जो कंटिन्यूसली चले जा रही है और कहानी हमें सबसे अच्छी बात, इन्होंने मल्टीपल यूनिवर्स का कोई कनेक्शन नहीं रखा, इस बार इन्होंने टाइम ट्रेवलर का रखा। दूसरी चीज, मल्टीपल यूनिवर्स को विलन्स को कनेक्ट कर दिया एक हीरो के साथ और भाई कौन कौन इसमें इंटरेक्ट होगा, नवे हीरोज भी आएंगे, नवे विलन्स भी आएंगे और बहुत सारी कहानियां इसके अंदर अटैच होने वाली है दोस्तों और कहानी उतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी कुछ इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कोंग भी इसमें कनेक्टेड है और डोरमामू भी इसमें कनेक्टेड है। लॉट्स ऑफ द थिंग्स आर कमिंग इन वन मूवी, सो हाउ मच एक्साइटेड यू आर दोस्तों कमेंट करके बताएगा कितना एक्साइटेड आप है। और मुझे नेगेटिव अभी फिलहाल दिखा नहीं, मैं निकालूंगा नेगेटिव, टेंशन ना लो, अपना नेगेटिव रखेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में आइएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लोकी के ट्रेलर का रिव्यू अभी तक।